दिवाली का त्योहार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी दीपावली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नेपाल में दीपावली के त्योहार को दिवाली त्योहार कहा जाता है। इसी दौरान नेपाल में 5 दिनों तक लगातार 5 विभिन्न प्रजातियों के जानवरों की भी पूजा की जाती है। दीपावली से ठीक एक दिन पहले कुकुर त्योहार मनाया जाता है, जिसमें इंसानों से दोस्ती निभाने के लिए कुत्तों का सम्मान किया जाता है। इस त्योहार में कुत्तों की पूजा की जाती है। इस दिन कुत्तों को सजा संवार कर सम्मान के साथ इनका मनपसंद भोजन को करवाया जाता है। भारत में भी पहली बार क्रांति एनजीओ के संस्थापक धीरज महाजन ने कुकुर त्योहार की शुरुआत की है। आइए सुनते हैं क्या कहना है धीरज महाजन का कुकुर त्योहार को लेकर। कुकुर त्योहार, ये त्योहार हर साल नेपाल में मनाया जाता है कुत्तों को उनकी लॉयलिटी के लिए सम्मानित करने के लिए, जिसमें उनको फूलों की माला और टीका और उनका फेवरेट फूड खिलाया जाता है। कुत्ते तो हमेशा इंसान के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो क्यों ना स्पेशल डे पर, कुकुर त्योहार पर, हम इंसान भी कुछ स्पेशल इनके लिए करें। और जो लोग कुत्तों को डंडे से मारते हैं, उनको भगाते हैं, तो उनसे एक ही बात है, अगर आप रोटी नहीं दे सकते तो इनको मारो भी मत यार। और लक्ष्मी माता से सिर्फ एक ही अरदास है, धन बरसे चाहे ना बरसे, लेकिन कोई भी इंसान या जानवर रोटी को ना तरसे। मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।